बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यार उम्मीद करता हूँ आप सब जाओ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अब शाम का वक्त है, मैं ऊपर आया, मैंने देखा कि माशाल्लाह मुर्गी हमारे अंडों पर बिल्कुल ठीक बैठी है, बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी उठी नहीं, मैं देखने ही आया था कि ये बैठी ठीक हुई है। और साथ ही साथ एक खबर ये कि हमारे ये जो चूज़े हैं, ये जो मेहमान थे कुछ दिन के हमारे पास, तो ये आज चले जाएँगे। आज दोस्त ने अपना वो कुड्डा वगैरह जो उसने दरबा बनाना था वो उसने कम्प्लीट कर लिया है। तो ये जो नीचे वाले हैं, ये क्या होगा, ये आज चले जाएंगे और हमारे वो जो ऊपर वाले चूज़े हैं उनको हम कर देंगे नीचे शिफ्ट। इससे ये होगा कि हमारी जो वो मुर्गी है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ऊपर से ये होता है कि वो चूज़े वगैरह जिस तरह है ना, तो उससे वो मुर्गी परेशान होती है। तो क्या होगा, हम वहाँ से चूज़ों को नीचे शिफ्ट कर देंगे और इनको आज छोड़ के आएँगे। अब ये है कि मैं पहले आया था ऊपर, तो अभी तक इस मुर्गी ने तो कोई अंडा नहीं दिया, और जो वहाँ पे हमारे कुंडे में एक मुर्गी रह गई है उसने अंडा दिया हुआ था, वो मैं उठा के नीचे ले गया, मैंने वो रख दिया फ्रिज में। तो अब क्या करते हैं, थोड़ी देर तक ना इन चूज़ों को, इनका जो असली जगह है जहाँ पे ये रहेंगे, इनको वहाँ पे हम छोड़ के आते हैं। तो अब हमने क्या किया, अपने इन वाले चूज़ों को सबको और इस मुर्गी को थोड़ी देर के लिए हमने खोल दिया ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट ले ले। ये बैठी हुई थी काफ़ी देर से, सुबह भी ये नहीं, बाहर नहीं आई। मैंने दरवाज़ा खोला था कि बाहर आ जाए ये, तो बाहर नहीं आए, बकाया हमने चूज़े अपने ये वाले खोल दिए। तो आज इन चूज़ों का जो हमारे पास है, इनका आखिरी दिन है, ये यहाँ से आज चले जाएंगे वापस अपने घर। एक ये वाला है और तीन वो चरपाई के जो नीचे हैं, ये चारों आज चले जाएंगे, आज इनको छोड़ के आना है। और मुर्गी को भी थोड़ी देर के लिए खोला है, मुर्गी को भी हम बंद कर देंगे और बकाया इन चूज़ों को हम किसी थैले वगैरह में या किसी बॉक्स में डाल के हम इनको वापस इनके घर दे के आएँगे। तो पहले करते हैं मुर्गी को बंद, क्योंकि इसने पानी वगैरह पी लिया है और बकाया वो भी बाहर आने को बेताब हो रहे हैं, उनको भी पानी वगैरह पिलाना है। तो ये करते हैं, इनको इस मुर्गी को बंद करते हैं और बकाया इनको लेके चलते हैं। मुर्गी को अभी मैंने पकड़ लिया है अपने हाथ में और अब इसको हम अंदर छोड़ते हैं ताकि ये यहाँ से जाए और आराम से जाके अंडों पर बैठ जाए। चलें ये बाहर निकालते हैं, पानी इसने पी लिया क्योंकि। तो तकरीबन यार आधा घंटा लगा के हमने क्या किया, अपने चूज़े भी बंद कर दिए, इस थैले में डाल लिए हैं और बकाया जो चूज़े हैं हमारे पहले वाले थे उनको वापस अपने पुराने जो है पिंजरे में बंद कर दिया। और ये आखिरी चूज़ा रह गया था, इसने बहुत तंग किया और लेकिन इसको पकड़ लिया हमने। अब क्या करते हैं, इसको भी वापस इसमें डालते हैं और बकाया हम ले कर चलते हैं उन चूज़ों को। चलो 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 चलें, ये हो गए बंद और मुर्गी अभी तक हमारे अंडे पर नहीं बैठी, वो बैठ जाएगी थोड़ी देर में, बकाया चूज़े लेके चलते हैं। अभी मैं नीचे चला गया था और मुझे याद आया मैंने ये वाला दरवाज़ा बंद नहीं किया, तो चूज़े मैंने नीचे छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे ये गैप है, बिल्ली आ जाती तो वो आराम से अंदर चली जाती और अंडों का या मुर्गी का नुकसान कर सकती थी। तो ये दरवाज़ा बंद करते हैं, ये दरवाज़ा हो गया बंद, इनकी तसल्ली होगी, बकाया सब हमारे बंद है परिंदे। तो क्या करते हैं, अब चलते हैं। तो यार आखिरकार हम आ गए हैं अपने दोस्त की तरफ और ये चूज़े रख दिए हैं, ये बिल्कुल उनका दरवाज़ा है। अब हम उसको बुलाते हैं और ये ना इसे देते हैं और फिर बस चलते हैं। तो फाइनली यार हम अपने जो हैं वो चूज़े जो जिनके थे वो उसको वापस उसकी अमानत देकर आ गए हैं। और आते साथ अभी शाम का टाइम है क्योंकि, तो अभी इन्होंने खाना वगैरह नहीं खाया, दाना वगैरह नीचे गिरा हुआ है, पानी वगैरह इधर है। तो अभी हमने एक पैर खोल दिया, फिर उसके बाद हम दूसरा पैर खोल देंगे। और यह है कि हमारी मुर्गी तो थोड़ी देर के लिए उठ गई अंडों पे से, पता नहीं ये क्यों उठ गई, शायद इन्हें देख के। तो इसे भी थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं, वैसे ये उठना तो नहीं चाहिए ऐसे जितना ये उठती है अंडों पे से। चलें ये भी बाहर आ गई, बकाया इन्होंने खाना वगैरह खाया हुआ, कबूतरों ने हमारे दाना वगैरह कर लिया, सिर्फ वो पैर रह गया और वो पैर रह गया, उन्हें भी हम दे देंगे। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल चिड़िया घर को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। अभी के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।